सो हेलो गाइस, मेरा नाम होता है, मैं फिर से आप सबको एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बयां करेंगे वो स्टोरी जो कि है मूवी नन की। ये स्टोरी लीक हो चुकी है, ये मूवी भी लीक हो चुकी है, तो पूरा हिंदी वीडियो है, लास्ट तक देखिए वरना आपको पूरी स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक पुराने ज़माने की मतलब स्टोरी बताई जाती है, जिसके अंदर होती है एक नन और एक फादर होते हैं। वो कुछ अजीब सी बात कर रहे होते हैं एकदम साइलेंट में, बैकग्राउंड में ऐसे कुछ बज रहा होता है। तो वो लोग एक्चुअली क्या बातें कर रहे होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मतलब इसमें एकदम क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि वो क्या बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि आखिर कैसे कुछ बच्चों को किडनैप किया जाए और कैसे उन सबको मतलब शैतान की शरण में लाया जाए। तो माना जाता है कि वो उन लोगों को शैतान ने ही आदेश दिया था कि अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो, अगर तुम्हें मतलब सुपर ह्यूमन बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति चाहिए, तो मेरी बात माननी पड़ेगी, बच्चों को किडनैप करके लाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो लोग मतलब कोशिश करते हैं उन बच्चों को किडनैप करके लाने की, बीच में सैनिक आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम नाकामयाब हो चुके हो, ऐसा मतलब है ना। तो अब वो लोग हो गए थे नाकामयाब शैतान का काम करने में, तो अब शैतान या तो उन्हें शक्ति देगा या फिर उनसे लेगा बदला, और बदले के तौर पे वो उनको मार देगा। लेकिन शैतान ने ऐसा नहीं किया, शैतान ने उन्हीं की आत्मा को अपने काबू में कर लिया। और फादर को तो उसने मार दिया, लेकिन नन को उसने अपने काबू में रखा और नन से बुरे काम करवाने लगा। लेकिन नन की मृत्यु हो चुकी थी, नन ने अपनी पूरी जो आत्मा थी शैतान को समर्पित कर दी थी, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। और उसने शैतान ने बोला था कि वो तुम्हारी आत्मा से कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हें माफ़ कर देगा, तो उसने समर्पित कर दी। और ऐसे होने के 6 दिन बाद उस नन की मृत्यु हो जाती है। पता चलता है कि कुछ ही साल बाद, करीब 3-4 साल बाद, जिन लोगों को पता था कि उस नन और फादर ने ऐसा किया है, उन सबके साथ बुरी बुरी चीज़ें होने लगी है। मतलब उन्हें वही नन दिखने लगी है, कभी कभी वो नन उनको चोट पहुंचाती थी, और उस नन में बहुत ही ज़्यादा पावर थी। एक्चुअली पता चलता है कि मतलब जो सस्पेंस था, तो फिल्म के जो स्टोरी डायरेक्टर हैं, मतलब जो स्टोरी सुना रहा होता है, नरेटर होता है, वो कहता है कि जो नन होती है उसके ऊपर शैतान काबू करता है, यानी जो कुछ भी करता है वो शैतान कर रहा होता है। तो इसमें यही है। तो फिर आगे जाके फादर जो होते हैं, फादर कुछ भी करके मतलब नन की आत्मा को वापस हेल में भेज देते हैं शैतान के कब्जे से, और शैतान को भी ख़त्म कर देते हैं। तो यही है कहानी ख़त्म। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, मत करना यार प्लीज़, क्योंकि बहुत घटिया वीडियो है। सब्सक्राइब भी मत करना। गुड बाय, टाटा।